अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली मेरा काफ़ी अरसे से ये इरादा था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, आप लोगों को इसके बारे में समझाऊं, पढ़ाऊं, लेकिन मौका नहीं मिला। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो यार, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा आगे पीछे देखो ना, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यार जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वो काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। मुसलमान भी काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी, ठीक है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, टेररिज्म मुस्लिम कंट्रीज़ में पाया जाती है, सिविल वॉर्स मुस्लिम कंट्रीज़ में हो रही हैं, ठीक है। अब जितने भी बड़े बड़े इश्यूज उठा के देख लो ना, बैड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पॉवर्टी तक, सुसाइड रेट तक, वो आपको मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप अगर किसी से भी बात करो, किसी सीनियर से पूछो, किसी बड़े आदमी से पूछो ना जो थोड़ा सा रिलीजियस होगा, उससे पूछो कि ऐसा क्यों है, तो वो आपको दो वजह बताते हैं। एक कहते हैं कि यार ये सब कुछ ना अमेरिका करवा रहा है, ठीक है। दूसरे लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना यहूदी साजिश है, ये इसराइल करवा रहा है, ठीक है। दो ऑल दो उनका भी कसूर है, उन कसूर से मतलब है उनकी साजिशें वगैरह जो कहते हैं, दैट इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मिस कर देते हैं अक्सर, जो रूट कॉज हम मिस कर देते हैं, वो बेसिकली है केएसए वर्सेस ईरान, ठीक है। इनकी जो राइवलरी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें, सऊदी अरेबिया और ईरान की जो राइवलरी है, ठीक है। अब ये दो कंट्रीज आपस में एक पावर स्ट्रगल चल रही है इन दोनों के दरमियान, तो ये दो कंट्रीज आपस में एक दूसरे का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, डायरेक्ट जंग नहीं हो रही। रेदर जो रीजनल कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट के, वहां पर ये दोनों कंट्रीज अपने अपने अलायंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और वहां पर वो दो अलायंस जो है ना, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नुकसान क्या हो रहा है, जो बेचारे इनोसेंट पीपल हैं वो मारे जा रहे हैं, ठीक है। आई बेग यू पार्डन। सो दिस इज द थिंग के जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारी उम्मा को, हमारी मुस्लिम उम्मा को, वो केएसए वर्सेस ईरान की राइवलरी है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है मुस्लिम उम्मा में डिविजन्स का, केएसए वर्सेस ईरान की राइवलरी क्या, या फिर मिडल ईस्टर्न क्राइसिस का, तो आप ये चीजें लिखोगे। सेकेंडली, ये करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर, इवन एसए के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इफ यू आर एन एस्पायरेंट। हाउएवर, अगर आप एस्पायरेंट नहीं हो, तो फिर भी ये टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो मुस्लिम उम्मा का इतना बुरा हशर हुआ हुआ है, इसकी वजह क्या है, इसको समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं, आज हम देखेंगे मिडल ईस्ट को, ठीक है। तो मिडल ईस्ट के बारे में बात करने से पहले, इसको समझने से पहले, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें इसका मैप पता हो, मिडल ईस्ट कहाँ पर है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। सो हेयर इज अवर पाकिस्तान, ठीक हो गया। और यहाँ से अगर हम वेस्टर्न साइड पे मूव करते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से आगे ईरान, अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। ईरान से आप ऊपर जाओगे तो आपको तुर्की मिलेगा, ईरान से इस तरफ आओगे इराक है, इराक के बाद यहाँ पर यू हैव सीरिया, सीरिया से इधर आओगे आपके पास लेबनान है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ से। तो अगर ईरान से आपने लेबनान जाना हो, तो आप रूट कौन सा इस्तेमाल करोगे, ईरान टू इराक टू सीरिया टू लेबनान। उसके बाद हम लेबनान से नीचे आते हैं, लेबनान से नीचे यू विल फाइंड फलस्तीन, ठीक है, और साथ साथ इसराइल, उसके साथ आपको यहाँ पर जॉर्डन मिलेगा, जॉर्डन के साउथ में यू विल फाइंड सऊदी अरेबिया, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है, इन दिस रीजन। देन इसके साउथ में यू विल फाइंड यमन, इसके साथ इस तरफ आओगे आपको ओमान, यूएई, कतर और बहरीन, ये कंट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, आगे हम इन्हीं के बारे में बार बार बात करेंगे, सीरिया और ईरान, इराक, इन सारे कंट्रीज के बारे में बार बार बात करेंगे। सो दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्री कहाँ पर है और वो किन कंट्रीज को बॉर्डर करता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं डायरेक्ट, केएसए वर्सेस ईरान, ठीक है। अच्छा, बाय द वे एक चीज यहाँ पे समझ लो, देखो केएसए वर्सेस ईरान एक ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें हम बेशुमार चीजें पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इस पे 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगा।
सेकेंडली इस पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल अरब स्प्रिंग हो गया, राइज एंड फॉल ऑफ ईरान हो गया, सेंक्शंस हो गई, JCPOA पढ़ेंगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, तो 3 वीडियोज़ में ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करना इज जस्ट इम्पॉसिबल. तो मैं आपको अरब स्प्रिंग के बारे में, JCPOA के बारे में, राइज एंड फॉल ऑफ ईरान के बारे में उतना ही पढ़ाऊंगा जितना रिक्वायर्ड है इस टॉपिक के लिए. यानी कि आपकी बेसिस बन जाएंगी, आपकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो बन जाएगी, उस पे अगर आपने और पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं. लेकिन इस टॉपिक के लिए जितना मटेरियल चाहिए रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको इन स्लाइड्स में प्रोवाइड करके पढ़ा के समझा दूंगा. ठीक है, सो इस टॉपिक को अब अच्छे से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो मेरे साथ साथ चलना है इसको समझने के लिए. ठीक है, सो KSA वर्सेस ईरान या फिर KSA ईरान राइवलरी. ठीक है, ये राइवलरी बेसिक किस तरह की है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक है नेचर में, यानी कि पावर स्ट्रगल है बिटवीन द टू कंट्रीज. क्या हो गया आपके पास, इट्स अ पावर स्ट्रगल बिटवीन द टू कंट्रीज. पावर स्ट्रगल किस चीज़ की है, पावर स्ट्रगल इस चीज़ की कि भाई हमने इस पूरे रीजन में अपनी हेजमनी कायम करनी है. ठीक है, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर बनना है. सेकेंडली हमने उम्मा को लीड हमने करना है. ईरान चाहता है कि मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट ईरान करे, कैसे चाहता है कि मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया करे. ठीक है, सो ये इनका मेन एजेंडा है, मेन गोल है. नाउ इसको परसू करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उनमें इनके डिफरेंट एलायज हैं, तो ये उन एलायज को सपोर्ट करते हैं, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियल एड देते हैं, इसके अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट भी उनको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इन तो इससे क्या हो रहा है, वो अपने इस तरह से अपना इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ा रहे हैं. नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि KSA है या ईरान है, दोनों अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, अपने जो एजेंडाज हैं उनको एडवांस करने के लिए, ये लोग सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको पता चलेगा, हम आगे पढ़ेंगे भी, कि KSA जो है ना मोस्टली वो ऐसे ग्रुप्स को, अब वो सुन्नी ग्रुप्स को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है. ठीक है, इसी तरह जो ईरान है वो ऐसे ब्लॉक्स को सपोर्ट कर रहा है जो शिया हैं, या जो समहाउ एसोसिएटेड है हमारे शिया स्कूल ऑफ थॉट से. ठीक है, सो इससे क्या हो रहा है, इससे बेसिकली ये हो रहा है कि जो मुस्लिम उम्मा में डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा डिवाइड आना शुरू हो गया है, एक तरफ आपके पास सुन्नी भाई हैं, एक तरफ आपके पास शिया भाई हैं. ठीक है, ये क्यों हो रहा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द कंट्रीज, दीज टू कंट्रीज रादर. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज की जहां पर इन दोनों कंट्रीज, या दैट इज ईरान एंड सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी वॉर विजिबल है, जहां पर ये दोनों कंट्रीज डिफरेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट द फर्स्ट केस स्टडी वी हैव इज सीरिया. ठीक है, ये हैं ईरानियन प्रेजिडेंट. ठीक है, एंड ये सीरियन प्रेजिडेंट हैं, सीरियन प्रेसिडेंट, इनका नाम है बशारुल असद साहब, और इनका नाम आई थिंक इब्राहिम रईसी था कुछ, मुझे नाम भूल गया, सॉरी आप गूगल कर लेना. सो ये अभी रिसेंट टाइम्स में इनकी मीटिंग हुई है एक. ठीक है, सो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता ये चल रहा है, इट शोज के ईरान के अच्छे रिलेशंस हैं सीरियन गवर्नमेंट के साथ. व्हेन आई से सीरियन गवर्नमेंट, इट डजंट मीन कि उसके अच्छे रिलेशन हैं सीरियन पीपल के साथ भी, नो. ठीक है, ईरान के अच्छे रिलेशन है सीरियन गवर्नमेंट के साथ, ईरान अच्छे रिलेशंस रखता है जो बशारुल असद साहब है उनके साथ. ठीक है, नाउ ईरान बशारुल असद साहब को सपोर्ट, अच्छा इसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लो कि सीरिया में इस टाइम पे सिविल वॉर चल रही है. ठीक है, और एक टाइम पे ये बहुत पीक पे थी, उसमें सिविल वॉर वो स्टार्ट कैसे हुई, स्टार्ट ऐसे हुई कि जो बशारुल असद साहब है ना, इनके अगेंस्ट जो आम पॉपुलेशन है वो खड़ी हो गई. ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन को यू नो बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, पावर्टी बहुत ज़्यादा थी, जितना भी आप बैड एडमिनिस्ट्रेशन कोट कर सकते हो ना, यहाँ पे कोट कर देना. ठीक है, तो उस वजह से लोग तंग आके बशारुल असद साहब के अगेंस्ट खड़े हो गए. ठीक हो गया, तो उस टाइम पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. अब जब सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो स्पेस मिली, स्पेस में फिर अब क्या हुआ कि सीरिया में इवेंचुअली आपके पास आइसिस भी आ गई. ठीक है, आपके पास अलकायदा भी ने भी यहाँ पे अपनी रूट्स कायम कर ली, इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर आ गए. तो सीरिया एक टाइम में मतलब गढ़ था डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का. ठीक हो गया, नाउ अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सीरिया में सिविल वॉर चल रही थी, इवेंचुअली वहाँ पर फिर
डिफरेंट ग्रुप्स आ गए। अब हम दो दिन जिन दो प्राइमरी ग्रुप्स की बात करेंगे हम उनकी बात करते हैं। एक है सीरियन गवर्नमेंट, ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है उसको आप बोलते हो दी कॉन्क्वेस्ट आर्मी कहते हो, ठीक है। अब इसको किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था ईरान। अब ईरान सीरियन गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहा है आप इससे अंदाजा लगाओ कि ईरान इज वे टू फार फ्रॉम सीरिया, ठीक है। स्टिल ईरान के जो सोल्जर्स हैं वो इस टाइम पे सीरिया में स्टेशनड हैं, सीरिया में डिप्लॉयड हैं। ईरान ने उनको वेपन्स तक प्रोवाइड किए हैं सीरियन आर्मी को। अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन दो ईरान पे इतना अरसा सेंक्शन रहे हैं उसके बावजूद ईरान एड फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहा है सीरिया को। क्यों क्यों बशार अल असद साहब को इतना सपोर्ट करता रहा है ईरान, इसकी वजूहत अब हम जानते हैं। देखो पॉइंट नंबर वन, जो बशार अल असद साहब हैं, ठीक है, वो अलेवैद हैं, ठीक है, यानी कि एक ये कोई समझ लो कि ना ब्रांच है शिया सेक्ट की, ठीक है, यानी कि सम हाउ ये शिया से मिलते हैं, तो इसलिए ये लोग खुद को शिया के साथ एसोसिएट करते हैं। दैट इज वाई ईरान इज सपोर्टिंग बशार उल असद गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर वन। ऑल दो जो मेजोरिटी है सीरियंस की, दैट इज अराउंड 72% ऑफ द पॉपुलेशन, वो सुन्नी है, इसके बावजूद ईरान बशार उल असद को सपोर्ट करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, बशार उल असद एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक प्रेजिडेंट नहीं है, रेदर एक डिक्टेटर है। इससे पहले इसके वालिद कई साल तक सीरिया की हुक्मरानी करते रहे, इसके बाद ये आए, इन्होंने हुकुमरानी शुरू कर दी, प्रेसिडेंट बन गए ये, ठीक है। सीरियन लोगों की हालात बहुत बुरे थे, ये हाईली अनपॉपुलर हैं अभी भी, इसके बावजूद ईरान ने सपोर्ट किया बशार अल असद को, ठीक है। उन ग्रुप्स के अगेंस्ट जो बशार अल असद साहब के साथ बशार अल असद के अगेंस्ट भी लड़े थे, तो ईरान ने बशार अल असद को सपोर्ट किया, अपनी आर्मी भेजी, फिर ईरानियन आर्मी ने उन ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ाई की, ठीक है। सो ये ईरान का इंटरेस्ट था, ईरान क्यों कर रहा है ऐसे, ताकि ईरान का इस कंट्री पे इन्फ्लुएंस रहे। एक अगर प्रो ईरानियन गवर्नमेंट में हो, प्रो ईरानियन बंदा गवर्नमेंट में होगा, इसका मतलब है कि ईरान इनडायरेक्टली उसको हैंडल करेगा, यानी कि ईरान का इन्फ्लुएंस होगा सीरिया पे, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न कि ईरान ने कोई परवाह नहीं की सीरियंस की, कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या चाहते हैं, बस बशार अल असद साहब को बचाया, पॉइंट नंबर वन, ठीक है, उनकी उनकी रेजीम को बचाया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि देखो ईरान, ये मैं हाँ जो यहाँ पे लिखता हूँ, ईरान, दिस इज सीरिया, यहाँ पे है इसराइल। अब इसराइल को इशू रहा है सीरिया के साथ, इसराइल को इशू रहा है ईरान के साथ, ठीक है। तो दैट इज वाई, ये भी एक वजह है कि ईरान और सीरिया एक दूसरे के करीब हो गए हैं। यहाँ पे जब मैं सीधा कह रहा हूँ उसका मतलब है कि बशार उल असद की गवर्नमेंट, इस वजह से ईरान और बशार उल असद की गवर्नमेंट जो है वो करीब हो गए हैं बिकॉज ऑफ इसराइल फैक्टर, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, हसबुल्ला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हसबुल्ला को समझने के लिए आप इधर आओ मेरे साथ, इधर मैप में देखो, हसबुल्ला एक ग्रुप है यहाँ पर, हसबुल्ला लेबनान में पाया जाता है, लेबनान है इधर, ठीक है। अगर ईरान ने हसबुल्ला को सपोर्ट करना है तो ईरान कैसे लेबनान तक आएगा, ईरान इराक से होता हुआ, सीरिया से होता हुआ लेबनान तक पहुंचेगा और सपोर्ट करेगा हिजबुल्ला को, ठीक है। सो ये इसलिए सीरिया एक इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए अपने एलाय हिजबुल्ला को सपोर्ट करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ईरान क्यों, यानी कि हिजबुल्ला क्यों सपोर्ट करता, ईरान क्यों सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को, या फिर जो ये हिजबुल्ला ग्रुप है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, तो उसका अगेन वही वजह है इसराइल, कि हिजबुल्ला जो है ना ये बिल्कुल इसराइल के बॉर्डर पे बैठा है ये ग्रुप, ठीक है, और इसने इसराइल की नाक में दम किया हुआ है, ये एंटी इसराइल ग्रुप है लेबनान में, ठीक है। हिजबुल्ला ग्रुप, इसको सपोर्ट, जो इसका मिलिट्री विंग है इसको, उसको सपोर्ट कौन दे रहा है, हिजबुल्ला के मिलिट्री विंग को सपोर्ट मिल रही है ईरान की जानिब से, फाइनेंशियल भी और मिलिट्री इक्विपमेंट भी, ठीक है। हिजबुल्ला के थ्रू ईरान ने इसराइल पे एक चेक रखा हुआ है, या फिर इसराइल को कोशिश किया कि हम इनसर्कल कर सकें, इसराइल को कंटेन कर सकें वाया हिजबुल्ला। सो दैट इज द रीजन यहाँ पर एक बहुत सीधा की इंपॉर्टेंस आती है, ठीक है। सो ईरान इन चार पांच वजूहात की वजह से सीरिया में बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईरान की, वो ये है कि एक के एस ए को, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को भी इनसर्कल कर रहा है,
कैसे, अगेन दोबारा से मैप में आते हैं, मैप में लिखेंगे दिस इज सऊदी अरेबिया, तो सीरिया किधर है, यहाँ पर। इराक में ऑलरेडी ईरान बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, अब तो इवन के इराक में अगेंस्ट ईरान, ठीक है, आई रिपीट, इराक में ईरान बहुत ज्यादा डोमिनेंट है ऑलरेडी, ईरान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इराक में। इसी वजह से आज के दिनों में इराक में प्रोटेस्ट निकल रहे हैं अगेंस्ट ईरान के, ईरान हमें जीने दे, हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए हमारी। इराक में अगेंस्ट ईरान प्रोटेस्ट निकल रहे हैं क्योंकि ईरान का इतना इन्फ्लुएंस बन चुका है इराक में। खैर द पॉइंट इज, जो मैं पॉइंट को बता रहा था कि ईरान यहाँ से इनसर्कल कर रहा है सऊदी अरेबिया को। सीरिया में प्रेजेंस है, इराक में ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, यमन में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है ईरान की, ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इनसर्कल हो रहा है, तो इस वजह से बहुत परेशानी है सऊदी अरेबिया को, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान के। नाउ ईरान अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है, सेक्टेरियन कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया लवायत की, ठीक है, कि ईरान उन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है जो या तो शिया हैं या फिर खुद को शिया स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएट करते हैं। नाउ अब सीरिया में फिर केएसए क्या कर रहा है, ठीक है, केएसए वहां पे उसने सपोर्ट किया था जिस ग्रुप को, उसको आप कहते हैं आर्मी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इसको वेपन्स प्रोवाइड किए, एड वगैरह प्रोवाइड की, ठीक है, केएसए ने वाया जॉर्डन, अगर आप मैप देखोगे तो पता लग चलेगा कि जॉर्डन सीरिया के साथ है, ठीक है, क्यों, क्योंकि केएसए शुरू से एक बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है, ठीक है, असद की गवर्नमेंट का, क्योंकि असद जो है वो प्रो ईरान है, इस वजह से केएसए बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है और बहुत क्रिटिसाइज करते रहे हैं वो शुरू से असद की गवर्नमेंट को। अच्छा सेकेंडली यहाँ पर मैंने को बताया कि 72% ऑफ द पीपल आर सुन्नी मुस्लिम्स, ठीक है, तो केएसए कहता है कि हम उन पॉपुलेशन की सपोर्ट कर रहे हैं, उन उनको जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, केएसए को पॉपुलेशन से या फिर जो लोकल मैसेज हैं सीरिया की उससे केएसए का कोई लेना देना नहीं है। अगर कल को असद साहब ये कह दें कि यार मैं प्रो ईरान नहीं एंटी ईरान हूँ, तो केएसए कहेगा ठीक है वेरी गुड, असद बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे सारी बात पॉलिटिक्स की है, केएसए चाहता है कि ईरान की जगह पर सीरिया में एक प्रो केएसए और एंटी ईरान गवर्नमेंट हो, ठीक है, दिस इज देयर एजेंडा, दिस इज केएसए इज एजेंडा, ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो ये इनका एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है केएसए का कि भाई ईरान को कंटेन करें, ईरान के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करें सीरिया में। सो अगेन दिस इज अगेन जस्ट लाइक ईरान, केएसए इज ऑल्सो प्लेइंग द रिलीजियस कार्ड ओवर हेयर, ठीक है। तो आई होप आपको सीरिया की सिचुएशन समझ आ गई होगी। अगर आपने सीरियन क्राइसिस पढ़ने हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, उसको समझने के लिए बहुत 2-3 सेपरेट लेक्चर चाहिए होंगे। ये एक ओवरऑल उसकी पिक्चर थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यमन। यमन में दोबारा से बहुत अपेरेंट है ईरान और केएसए का टकराव, ठीक है, कैसे, देखो यमन में अब जो मेजोरिटी है वो सुन्नी है और जो गवर्नमेंट थी वो भी सुन्नी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन में शिया वर्सेस सुन्नी डिवाइड नहीं था, या फिर जो सिविल वॉर हुई थी वो इस वजह से नहीं हुई थी कि एक तरफ सुन्नी एक तरफ शिया है, ठीक है, या यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज सुन्नी एंड द गवर्नमेंट वॉज सुन्नी, गवर्नमेंट कंप्राइज ऑफ पीपल फ्रॉम सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट एज वेल, ठीक है, सो यहाँ पर वो इशू नहीं था, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया शिया वर्सेस सुन्नी इशू में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर सेम सिविल वॉर हुई थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, क्यों, क्योंकि वही बात है कि बैड एडमिनिस्ट्रेशन ब्ला 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 ब्ला, उसमें ही जब लोकल मैसेज थे वो खड़े हुए हुकूमत के अगेंस्ट, तो उसमें एक ग्रुप इमर्ज हुआ, ठीक है, उनको आप कहते हो हूती रेबल्स, ये अगेंस्ट द स्टेट जो एक आप कह लो कि सुन्नी मुस्लिम्स थे उनकी वो थी गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो जो हूती रेबल्स थे ये खड़े हुए इनके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट थी ये प्रो केएसए थी गवर्नमेंट, ठीक है, तो हूती रेबल्स क्या है, हूती खुद को ना एसोसिएट करते हैं अगेन शिया मुस्लिम्स जो है ना, मतलब जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ एसोसिएट करते हैं खुद को, ठीक है, तो क्या दोबारा से बात आ गई यहाँ पर शिया वर्सेस सुन्नी, ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया हूती रेबल्स को, और जो स्टेट थी स्टेट ऑफ जो यमन की गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हेल्प मांगी केएसए से, तो केएसए ने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ईरान ने
उसी रेबल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इट्स आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि इट इज़ क्वाइट लाइक इट इज़ ऑपोजिट टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन सीरिया। सीरिया में जो ग्रुप था वो के एस ए से हेल्प ले रहा था और गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था ईरान। यमन में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है के एस ए और उसके अलाइज और हुती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है ईरान। ऑल दो ईरान मना करता है इसको, ठीक है, डिनाई करता है इस चीज़ को, लेकिन ये सच है और जितनी रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि वाकई में ईरान सपोर्ट कर रहा है हुती रेबल्स को, ठीक है। 2015 में बेसिकली सऊदी अरेबिया ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यमन के मसले पे जो सिविल वॉर चल रही थी उसमें जंप किया था और उसके बाद से इस वॉर को एक नया मोड़ मिल गया जिसमें ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया का ये मसला शुरू हो गया, ठीक है। सो अच्छा, एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो एक जो सिविल वॉर चल रही थी उसके बाद जब के एस ए और ईरान इन्वॉल्व हुआ तो ये वॉर काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पे हो गई, ठीक है। वो कैसे कि हुती रेबल इनिशियली बहुत बैकफुट पे आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा के एस ए ने बम्बार्डमेंट की थी, ठीक है, जेट्स वगैरह यूज़ करके बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट की थी यमन में। लेकिन उसके बाद जब सपोर्ट मिली हुती रेबल्स को तो हुती रेबल्स काफ़ी एग्रेसिव हो गए। अब आपने रिसेंट टाइम्स में डिफरेंट रिपोर्ट्स सुनी होंगी कि भाई एक मिज़ाइल गिर गया उधर या फिर हुती रेबल्स ने अटैक किया है जद्दा एयरपोर्ट पे, इस तरह आपने डिफरेंट न्यूज़ सुनी होंगी। तो उसी में से एक न्यूज़ है कि एक सब जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ऑयल फैसिलिटीज़ है ना उसमें से है सऊदी अरामको, ठीक है, ये बहुत बड़ी ऑयल फैसिलिटी है, इस पे हुती रेबल्स ने अटैक किया था। यानी कि अटैक इस नोयत का था कि जो दुनिया की ग्लोबल ऑयल की आउटपुट है वो अफेक्ट हो गई थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी ये फैसिलिटी है ऑयल की, ठीक है। तो इससे दुनिया की जो ग्लोबल ऑयल आउटपुट थी वो कम हो गई थी, ठीक है। सो इसी वजह से आजकल जो है ना थोड़ा सा सऊदी अरेबिया बैकफुट पे आया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि हुती रेबल्स के साथ नेगोशिएट करे क्योंकि हुती रेबल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। ये मैंने आपको न्यूज़ शेयर किया, इसको आप पढ़ भी सकते हो। खैर, सेकेंडली इसी वजह से जब दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, दो आउटसाइडर्स इन्वॉल्व होते हैं, यमन की सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी कि हमें राइट्स दिए जाएं, ठीक है, पॉलिटिकल राइट हो हमारे पास एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रॉक्सी वॉर में कन्वर्ट हो गया, तो अब वहाँ पर हो रहे हैं वॉर क्राइम्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स पे अटैक होते हैं, बच्चों पे अटैक होते हैं, मतलब बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। यमन को यूएन ने बोला है कि ये वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, डिक्लेयर किया हुआ है यमन के बारे में। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर यमनी बेचारे तो कुछ खुद कर ही नहीं रहे, वहाँ पर ये कंट्रीज इन्वॉल्व हैं और साथ साथ यूएई भी इन्वॉल्व हो गया है, एक और ग्रुप है एसटीसी वो भी। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल इसका जो पिक्चर है पूरे मसले की वो ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन क्यों किया यहाँ पर, क्यों अपनी फोर्सेज भेजी, तो उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे हमने सीरिया के केस में ईरान की रीजंस पढ़ी थी, हम यहाँ पे सॉरी यमन के केस में हम केएसए की रीजंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज के देखो ये रहा, मैं इसको पेन चेंज कर देता हूँ कलर, मिनट, देखो ये रहा यमन, ये रहा केएसए। अब ईरान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ गया बिकॉज ऑफ हुती रेबल्स, तो क्या हुआ, ईरान बिल्कुल आप समझ लो कि केएसए के दरवाजे पे आके बैठ गया। तो इससे इंसर्कलमेंट ऑफ के एस ए हो रही है, ऊपर सीरिया में, इराक में ऑलरेडी ईरान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंजॉय करता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई के एस ए काफ़ी पैनिक कर रहा है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, ये जो ये वाली स्ट्रिप है ना बॉर्डर के साथ यमन के एस ए की, यहाँ पर एक शिया पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है, के एस ए की शिया पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। तो के एस ए इस चीज़ से भी इनसिक्योर है कि कहीं यहाँ पे यमन के लोग या फिर ईरान के लोग, ईरानियंस, ठीक है, इनको इन्फ्लुएंस ना कर दें और इवेंचुअली के एस ए के लिए इंस्टेबिलिटी ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो मोस्टली शिया है और के एस ए को यही इनसिक्योरिटी है कि कल को कहीं ईरानियंस उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू ना कर दें और इवेंचुअली हमारे लिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो आप उसको कहते हो गल्फ ऑफ एडन, ये रूट देख रहे हो जहाँ पे मैं इसको, मैं ये रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है सऊदी अरेबिया के लिए। अब क्यों, देखो जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है ना ये एक ऑयल इकोनॉमी है, या फिर इसको कहते हो आप ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी, ठीक है।
यानी कि सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा इन्हिसार उसकी जीडीपी का ऑयल पे है, ऑयल को सप्लाई करना, ऑयल को एक्सपोर्ट करना दुनिया में, ठीक है ना। ऑल्दो अभी मोहम्मद बिन सलमान आए हैं जब से पावर में, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा ओपन करें, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एक नाओम करके नाम है, या फिर NOAM करके एक सिटी भी बना रहे हैं, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकें। अभी यानी कि मोहम्मद बिन सलमान इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। टिल देन, जब तक सऊदी अरेबिया मुकम्मल ओपन नहीं होता, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी रहेगी, ठीक है। यानी कि सऊदी अरेबिया का इंहिसार ऑयल पर है। अगर कल को ऑयल को कुछ होता है सऊदी अरेबिया के, या सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स को आप रोक देते हो, तो यानी कि आपने सऊदी अरेबिया का पूरा सिस्टम ही रोक दिया, ठीक है। और सऊदी अरेबिया इधर से यानी कि गल्फ ऑफ एडन से अपना ऑलमोस्ट 65% ऑफ द ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, दुनिया को आगे बेचता है, सेल करता है। अब यहाँ पर है ईरान या फिर हूती रेबल्स, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो आप कि कितना परेशान कर सकता है ईरान सऊदी अरेबिया को, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पैनिक, और आप समझ लो कि ना इनसिक्योरिटी पाई जाती है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में, ठीक है। अब ईरान ने यहाँ पे क्यों इंटरवीन किया, ईरान की रीज़न क्या थी? एक वो ही कि इंसर्कलमेंट ऑफ केएस से, दूसरा अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना, बढ़ाना वगैरह वगैरह। नाउ द थर्ड कंट्री, जिस थर्ड एग्जांपल को हम पढ़ेंगे वो है बहरेन, ठीक है। बहरेन में क्या हो रहा है? बहरेन में सीधा मैंने आपको बताया था कि मोस्टली पॉपुलेशन जो है आपके पास वो सुन्नी मुस्लिम्स की है, और जो पावर में है वो मतलब अलेवाइट हैं, ठीक है। अब बहरेन में इसके ऑपोजिट है, बहरेन में जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं, पॉपुलेशन है, वो है शिया, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं वो है सुन्नी, ठीक है, और वो प्रो के ऐसे हैं, सही है ना। तो इस वजह से काफ़ी यहाँ पर भी मसला चल रहा है, क्यों? क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी एक अच्छे चाहेज हैं, वो ईरान को बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है ईरान सॉरी बहरेन की, ठीक है। लेकिन जो आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट है वो प्रो के ऐसे है, वो के ऐसे को काफ़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो इसी वजह से, और बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, काफ़ी वो स्टार्ट हो गए थे बैक इन 2010 एंड 11, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों? उसमें डिफरेंट वजूहात हैं, कुछ कहते हैं बैड एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ कहते हैं कि उस प्रोटेस्ट को ईरान ने स्पॉन्सर किया था। खैर, इवेंचुअली ये था मसला कि वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो गए थे। इस पे क्या हुआ, इस पे जो वहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने हेल्प मांगी के एस ए से, तो के एस ए और उनके एलाइज ने इंटरवीन कर दिया बहरेन में। ये 2011 की तकरीबन बात है, ठीक है। के एस ए और उसके एलाइज देखो ये एंटर कर रहे हैं बहरेन में, आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहरेन में आए और उन्होंने वो जो अपराइजिंग थी उसको कुचल के रख दिया, ठीक है। ऑल दो अगेन इट्स इलीगल, लेकिन ये ही हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है। ये न्यूज़ है, मैंने शेयर की हुई है यहाँ पे, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये बेसिकली बहरीन का कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। अब इसमें ईरान के एस ए ने क्यों सपोर्ट किया, या के एस ए ने क्या इसका रोल था कि के एस ए ने सेम वही अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना है कंट्री में। ईरान ने क्यों सपोर्ट किया लोकल लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ईरान ने क्यों ट्रेनिंग दी यहाँ पर लोगों को, उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक अगेन कि इनसर्कलमेंट ऑफ के एस ए वगैरह वगैरह, वो चीज़ें खुद लिख लेना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ईरान बहरेन को कहता है कि भाई बहरेन हमारा हिस्सा था और हमारा हिस्सा होगा आगे जाके भी, ठीक है। अगर आप पुराना पर्शियन एम्पायर उठा के देख लो, या उसके बाद भी अर्ली 1900s भी दिखा देख लो, तो बहरेन इसका हिस्सा था। लेकिन अभी ऑल दो बहरेन इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन फिर भी ईरान ये कहता है कि नहीं, बहरेन जो है ना वो प्रोविंस है हमारा, ये ईरान क्लेम करता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी मसले चल रहे हैं। सो आई होप आपको इन तीन एग्जाम्पल्स से ये समझ आ गया होगा कि कैसे दो कंट्रीज जो हैं वो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, लड़ रहे हैं, और इससे नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान मुसलमानों को ही हो रहा है, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। बस उस आज को लेक्चर ख़त्म करने से पहले ये देख लो, ये एक मैप है, थोड़ा पुराना सा है, लेकिन आई होप इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि जो रेड में है ये वो कंट्रीज़ या फिर वो जगहें हैं जहाँ पे ईरान इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, ईरान अपना पावर एक्सरसाइज करता है, ठीक है, ईरान का रोल ज़्यादा है। और जो ब्लू में है
वो कैसे के लिए है, ठीक है, यानी कि वहाँ पर कैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैसे का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता है, ठीक है। तो ये देख लो, ये यहाँ से अगर आप चलोगे तो ईरान है, इराक है, सीरिया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, इधर आओगे, अच्छा यहाँ पर भी ईरान है, उसके बाद अगर आप ये कैसे ही देख लो, ठीक है, तो यहाँ पर यूएई है, ऊपर जाओगे आपके पास जॉर्डन वगैरह ये कंट्रीज हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली एक समझा ना, आपका जो मुस्लिम उम्मा है वो यहाँ पर देखो डिवाइड हो गई है बेसिकली ब्लू और रेड शेड्स में, ब्लू और रेड कलर्स में, क्यों, ताकि हम जो है ना वो मेन प्लेयर रहें, ठीक है। सो ये काफ़ी ख़तरनाक बात है, और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि आपको ये टॉपिक पढ़ाऊं। सेकेंडली वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने पढ़ना है कि क्या इन दो कंट्रीज का कोई रोल है पाकिस्तान में जो सेक्टेरियनिज्म फैली हुई है इतनी ज़्यादा, जो एक सेक्टेरियन डिवाइड है पाकिस्तान में, उसमें क्या इन दोनों कंट्रीज का रोल है या नहीं, ये आपने पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विकीलीक्स की रिपोर्ट पढ़ लेना, ठीक है, जो मुस्लिम और जो केपी के सॉरी बलूचिस्तान में जो स्कूल वगैरह बंद हो रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ लेना। देर आर सम हिंट्स इन दीज टू थिंग्स, पढ़ना समझ आ जाएगा। ऑलरेडी ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, सो आज के लिए ये एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। आई होप आपको इससे समझ आ गई होगी कि कैसे केएसए और ईरान की राइवलरी चल रही है, हमें नज़र आती है। अच्छा, ये इन कंट्रीज तक सिर्फ महदूद नहीं है, ये पूरे रीजन तक है, लेकिन मैंने जस्ट कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स उठाई हैं जहाँ से आपको इजीली चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। प्लस सेकेंडली आई रिक्वेस्ट यू मैन, अब जो भी हो, ठीक है ना, कि लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।